अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मायरा अमजद, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड 2 का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे जो कि फ्रैक्शन है। और आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह से हम फ्रैक्शन को न्यूमेरिकल फॉर्म्स में लिख सकते हैं और जानेंगे मोर अबाउट फ्रैक्शंस। तो चलते हैं बुक के पेज नंबर 88 की तरफ और देखते हैं फ्रैक्शन इन न्यूमेरिकल फॉर्म्स। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि डेनोमिनेटर और न्यूमिरेटर का कंसेप्ट क्या होता है। जब हम फ्रैक्शंस को लिखते हैं तो हम फ्रैक्शंस को न्यूमिरेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं। व्यूअर्स, न्यूमिरेटर एक ऐसा स्पेसिफिक पार्ट होता है या वो पोर्शन होता है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, जबकि डेनोमिनेटर पूरा पार्ट होता है, पूरी ऑब्जेक्ट को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है उसको हम डेनोमिनेटर में लिखते हैं। तो देखते हैं हम किस तरह से एक चीज़ को डिवाइड करते हैं और किस तरह से हम लिखते हैं। सबसे पहले आपके सामने है एक रेक्टेंगुलर जिसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और आप देख सकते हैं राइट साइड पे हमने उसको 1/2 की पार्ट में कट और हमने उसको 1/2 की फॉर्म में लिखा है। व्यूअर्स, यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर की एक पार्ट को कलर कर दिया है और अब हम कह रहे हैं द रेक्टेंगल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, वन पार्ट इज शेडेड व्हिच रिप्रेजेंट्स 1/2। तो हम इसको न्यूमेरिकली इस तरह से लिखेंगे दैट 1/2, यानी कि इस रेक्टेंगल के टोटल पार्ट्स 2 थे और एक हिस्सा यानी कि 1 पार्ट कलर हुआ है। अब हमारी ये न्यूमेरिकल फॉर्म हमें ये बताएगी कि एक हिस्सा कलर हुआ है, टोटल 2 हिस्से मौजूद थे। इसी तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है जिसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसका एक पार्ट कलर्ड है। जब हम इसको राइट डाउन कर रहे हैं न्यूमेरिकली हम लिख रहे हैं 1/3, यानी कि 1 out of the 3 पार्ट्स इज कलर्ड। तो अब हम चलते हैं एक ट्रायंगल की तरफ। ट्रायंगल को आप देख सकते हैं हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और एक पार्ट को कलर किया है, तो न्यूमेरिकली हम इसे लिखेंगे 1/4, जो कि हमें बताएगा दैट 1 out of 4 पार्ट्स इज कलर्ड। इसी तरह आप नीचे देख सकते हैं कि एक पूरा सर्कल कलर्ड है और एक सर्कल का 1/2 कलर्ड है। फिर नीचे सर्कल के 3 पार्ट्स हैं जिसमें से 1 पार्ट कलर्ड है, और राइट साइड पे आपके पास सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और एक पार्ट को कलर किया है, यानी कि 1/4 इज कलर्ड। तो अब चलते हैं बुक के पेज नंबर 89 की तरफ और देखते हैं फ्रैक्शन फॉर्म्स, किस तरह से हम 1/2 और 1/10 तक फ्रैक्शंस को लिख सकते हैं। व्यूअर्स, हम जान चुके हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और वो इक्वल पार्ट्स 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी और 10 भी। यानी कि हम जितने भी पार्ट्स में अपने एक ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना चाहें हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। न्यूमेरिकली लिखने का तरीका ये है कि वो पार्ट्स जिन टोटल पार्ट्स को वो टोटल पार्ट्स जिनमें हमने अपने ऑब्जेक्ट को डिवाइड किया है उसको हम डेनोमिनेटर में लिखते हैं, और वो पार्ट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट फिगर में हमने एक रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और एक पार्ट को कलर कर दिया है, तो हम कहेंगे 1/2 इज कलर्ड। टोटल पार्ट्स 2 थे, 1/2 इज कलर्ड, और न्यूमेरिकली हम इसको 1/2 लिखेंगे। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि नंबर सेकंड पर हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक को कलर किया है, इस तरह से इसका नाम 1/3 होगा और न्यूमेरिकली हम इसको 1/3 लिखेंगे। इसी तरह से आप बाकी देख सकते हैं और न्यूमेरिकली लिखने का तरीका भी जान सकते हैं। अब चलते हैं बुक के पेज नंबर 90 की तरफ और देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मैच ईच शेप विद गिवन फ्रैक्शन। तो व्यूअर्स, आपके सामने कुछ शेप्स हैं जिनको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसके एक एक पार्ट को कलर किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके 1 पार्ट को कलर कर दिया है, तो इट मींस इट इज 1/2, यानी कि न्यूमेरिकली हम इसको 1/2 लिखेंगे। तो आप इसको 1/2 के साथ मैच करेंगे।
फिर आप देख सकते हैं इसके साथ ही स्क्वायर को आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और एक पार्ट को कलर किया है, यानी कि इट विल 1/4, तो आप इसको 1/4 के साथ मैच करेंगे। इसी तरह आपने बाकी शेप्स को उनके न्यूमेरिकल फॉर्म्स के साथ मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। राइट फ्रैक्शंस फॉर द शेडेड पार्ट ऑफ दीज शेप्स, यानी कि आपने इन शेडेड पार्ट्स को न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है। जैसे कि ट्राइंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और एक पार्ट को कलर किया है, तो आप इसको न्यूमेरिकली 1/4 लिखेंगे। इसी तरह से एक और स्क्वायर है जिसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और एक पार्ट को कलर किया है, इसको भी हम 1/4 लिखेंगे। सो व्यूअर्स, इसी तरह आपने बाकी शेप्स के टोटल पार्ट्स को काउंट करना है और उसके कलर्ड पार्ट को देखकर उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में राइट करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट फ्रैक्शंस फॉर ईच वर्ड। तो व्यूअर्स, आप अब इन वर्ड से अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, लाइक 1/2। जैसे कि आप जानते हैं 1/2 मीन्स 1/2, 1/9 यानी कि 1/9, 1/3 यानी कि 1/3, 1/4 यानी कि 1/4, 1/5 यानी कि 1/5। तो व्यूअर्स, अब आप इन सारी टर्म्स से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हो चुके हैं, तो अब चलते हैं बुक के पेज नंबर 91 की तरफ और जानते हैं मोर अबाउट फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, वी हैव फिगर इन विच 2 out of 3 इक्वल पार्ट्स आर कलर्ड। आप देख सकते हैं आपके राइट साइड में एक ट्राइंगल है जिसके 3 पार्ट्स हैं और 2 को कलर किया गया है, यानी कि अगर एक से ज़्यादा पार्ट को कलर किया जाए तो उसको फ्रैक्शनल या न्यूमेरिकल फॉर्म में किस तरह लिखा जाएगा। व्यूअर्स, दिस इज़ वेरी सिंपल। आपने पहले टोटल पार्ट्स को काउंट करना है, उनको डिनोमिनेटर में लिखना है, और फिर कलर्ड पार्ट को काउंट करना है, उनको न्यूमरेटर में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे 2/3, क्योंकि टोटल पार्ट्स 3 थे और कलर्ड पार्ट 2 थे। इसी तरह नीचे दिए गए स्क्वायर को आप देख सकते हैं कि इसके टोटल पार्ट 4 हैं और कलर्ड पार्ट 3 हैं, तो न्यूमेरिकली इट विल बी 3/4। इसी तरह आप रेक्टेंगल को देख सकते हैं जिसके टोटल पार्ट 5 हैं और कलर्ड पार्ट 4 हैं, तो हम इसको 4/5 के फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरह नीचे देखें, टोटल पार्ट 6 है और कलर्ड पार्ट 5 है, तो ये 5/6 हो जाएगा। इसी तरह इसके नीचे देखते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसके टोटल पार्ट 7 है और हमने इसके 6 पार्ट्स को कलर किया है, तो हम इसे 6/7 की फॉर्म में लिखेंगे। फिर हमारे पास एक सर्कल है जिसके टोटल पार्ट 8 हैं और 7 पार्ट्स को कलर किया गया है, तो ये 7/8 बनेगा। इसी तरह से अगली शेप में हमने टोटल पार्ट्स 9 लिए हैं और 8 पार्ट्स को कलर किया है, तो ये 8/9 लिखा जाएगा। तो व्यूवर्स, इस तरह से आप फ्रैक्शन को न्यूमेरिकली राइट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और आप अब फ्रैक्शन को न्यूमेरिकली लिख सकते हैं। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।